देश की जनता अच्छी तरीके से जानती है। बीजेपी के पास केवल सनातन, हिंदू मुस्लिम, पाकिस्तान और हिंदुस्तान के अलावा कोई और मुद्दा नहीं बचा है जिसपे बीजेपी चुनाव लड़ सके। केवल हिंदू, केवल मुस्लिम, केवल पाकिस्तान, केवल भारत। सनातन है हिंदू मुस्लिम, भारत देश की आन बान शान था। चारों धर्म हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये भारत की आन बान शान है और ये रहेगी। बीजेपी के कितने भी एजेंट आ जाए मोदी जैसे, कभी भी ये हिंदुस्तान को नहीं तोड़ पाएंगे। कमल का फूल सरकार भूल चुकी है, जनता भूल चुकी है। 18 साल की सरकार में उनको लाडली बहना की याद अब आ रही है, उनको किसानों की याद अब आ रही है। सिलेंडर सस्ता आप कर रहे हैं, पेट्रोल सस्ता आप कर रहे हैं। इतने साल कहां थी बीजेपी की सरकार, जब देश का किसान, प्रदेश का किसान, प्रदेश की बहन बेटियों पर अत्याचार हो रहा था, जब कहां थे शिवराज मामा, कहां थे बहनों के भैया? उस समय तो कोई बहन भाई नहीं दिखा। अब जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे मुफ्त की रेवड़ी बांटे जा रहे हैं। अब के जनता केवल शिवराज मामा को बताना चाहते हैं कि जनता समझदार हो गई, आपकी मुफ्त की रेवड़ियों में नहीं आएगी वो। जनता खुद अपना फैसला सुनाएगी और आपको 2023 के चुनाव में मध्य प्रदेश से उखाड़ फेंकेगी। और खुद उनके राष्ट्रीय कवि सत्यनारायण सत्तन जी ने क्या कहा था, आंध्र और कर्नाटक में बीजेपी घुस गई, उसके बाद अगला नंबर कहाँ आएगा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान। राजस्थान में भी हम इतिहास दोहराएंगे, आदरणीय गहलोत साहब भी 2 बार सरकार बनाएंगे। हम हिंदू विरोधी नहीं है, हम संविधान का पालन करने वाले लोग है। हम डॉक्टर बाबा भीमराव अम्बेडकर का संविधान मानते हैं, हम चारों धर्मों को साथ लेके चलते हैं। हम हिंदू मुसलमान श्री राम की राजनीति नहीं करते हैं, हम सत्य सनातन वैदिक धर्म के लोग हैं। हमारा काम है कि दुश्मन भी अगर हमारे सामने हथियार लेके आएगा तो हम उससे आंख में आंख डाल के बात करें। अच्छा, तो क्या लग रहा है इस बार मध्य प्रदेश में क्या होने वाला है? बिल्कुल कमलनाथ की सरकार बनने वाली है। बीजेपी की जो जन विरोधी दमनकारी नीतियां हैं उससे अब जनता त्रस्त हो गई है, उब गई है और नई सरकार कांग्रेस की बनने वाली है। लेकिन भाजपा दावा कर रही है 160 सीटें हम जीतने जा रहे हैं, अब ये तो समय बताएगा कि क्या होना है। कांग्रेस की सरकार बनेगी, हम शहर कांग्रेस और पूरी महिला कांग्रेस मिलके और पूरे प्रदेश में हम कांग्रेस को लाने के लिए अपना पूरा जोर लगा देंगे। लेकिन भाजपा दावा कर रही है कि 1,000 रुपए महिलाओं को मिल रहा, महिला भाजपा के साथ है। 1,000 दे के जो जितना कि गैस सिलेंडर इतना महंगा कर दिया गए, इतनी महंगाई हो गई है, महिलाएं त्रस्त हो गई है और हर उसमें महंगाई बढ़ती जा रही है, जनता बहुत परेशान है। आप 1,000 दे रहे हैं उसकी जगह दूसरी जगह हम परेशान हैं। अच्छा, तो जी किसकी सरकार बनने जा रही है? कमलनाथ की सरकार बनेगी। अच्छा, बिल्कुल बनेगी। क्या नाम हुआ मैम आपका? बसंती मेहता है मेरा नाम। अच्छा, और मैं प्रदेश महासचिव हूँ। अच्छा, मंत्री हूं। तो क्या लग रहा है इस बार मध्य प्रदेश की महिलाएं क्या सोच रही हैं? मध्य प्रदेश की महिलाएं कांग्रेस को ही जिताएगी, पूरी तरह से ताकत लगा देगी। 2018 से बीजेपी सरकार है तो उन्होंने क्या किया महिलाओं के लिए, और अभी एन वक्त पे बोल रहे कि महिलाओं को हर महीने 1,000 देंगे तो उससे क्या होता? गैस टंकी वगैरह कितनी महंगी करी थी उन्होंने, और जो सरकारी नौकरी थी, बच्चों के जो बेरोजगार थे वो पूरे बच्चे बेरोजगार पड़े हैं अभी। वो तो कह रहे अच्छे दिन आ गए महिलाएं भाजपा के साथ है। कहाँ अच्छे दिन आ गए, मणिपुर में कितना महिलाओं के साथ में कुछ हुआ? किसी भी महिलाओं को नहीं छोड़ते, वो जेंडर वाली हो कि एसटी की हो, किसी भी महिलाओं को नहीं छोड़ रहे वो लोग। और क्या चाह रही इस बार किसकी सरकार बने? कमलनाथ जी की सरकार बनेगी, किसी भी हालत में उन्हीं की सरकार लाएंगे, हर महिलाएं उन्हीं को वो करेगी। क्या लग रहा है सर किसकी सरकार मध्य प्रदेश में? कमलनाथ की। अच्छा, आपको क्या लग रहा है सर? मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी की सरकार बनेगी, उसके नेतृत्व में। और आपको एक बात का आग्रह करना है, ये 1,000 रुपए रखा है ना, तो ये 1,000 रुपए पे 2 करोड़ रुपया खर्चा कर रहा है, 2 करोड़ रुपया खर्चा कर रहा है। ये बेरोजगारों में अगर पैसा लगा दे तो अच्छा होता, ये अगर कहीं उद्योग लगा दे तो अच्छा होता। 1,000 रुपए में एक महिला को देते, 2 करोड़ रुपये विज्ञापन पे खर्चा करते सिर्फ 2 फोटो के लिए, एक शिवराज का और एक मोदी का। ये दोनों ने इस देश को, मध्य प्रदेश को तबाह कर दिया। मध्य प्रदेश में नया इतिहास बना है, हजारों लोग बीजेपी से छोड़कर कांग्रेस में जा रहे हैं, 1,000 कार लेके माननीय कमलनाथ जी के समस्त हो रहे हैं। आज इंदौर का शेयर, इंदौर का नेता प्रमोद टंडन और दिनेश महावर जी और हमारे भैया जी रामकिशोर
शुक्ला जी आए हैं, पूरा पलरा इस मालवा का बदल जाएगा, ये मैं कामना करता हूँ। और मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी और 150 सीट लाने का मैं दावा कर रहा हूँ। अच्छा, आपको क्या लग रहा है सर, क्या होने वाला है मध्य प्रदेश में? मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने वाली है, मध्य प्रदेश ही नहीं पूरे देश में बनेगी। अच्छा, आपको क्या लग रहा है सर, क्या होने वाला है? साहब जैसा कि सब आपके सामने है, इन्होंने 20 साल राज करा है और हमारे कमलनाथ जी की सरकार सिर्फ 15 महीने रही है। हमारा 15 महीने का सुशासन बनाम इनका 20 साल का कुशासन, जनता त्रस्त है। ये हमारी गाड़ी कमाई को जनता में इस तरह बहाने की सोचते हैं जैसे इनके घर से लाए हो। ये हम टैक्स पेयरों की कमाई है और अगर यही काम कांग्रेस पार्टी करती है तो बोलते रेवड़ी बांटना। अब ये रेवड़ी कंचल में बिलीव नहीं रखते मोदी जी। भाजपा कह रही अच्छे दिन आ गई, जनता हमारे साथ है। अरे भाजपा खुद जनता के साथ पीछे पीछे भागेगी, साथ तो दूर की बात, जनता के पीछे भागेगी वोट की भीख मांगने, और जनता उनको साथ नहीं देगी इस बार। तो क्या लग रहा है किसकी सरकार बनेगी? कमलनाथ जी 150 से 160 सीटें आएंगी और आपका खुद सर्वे बताएगा ये चीज। अच्छा, लेकिन सर भाजपा कह रही है कि राहुल गांधी जी कांग्रेस पार्टी हिंदू विरोधी पार्टी है, असम के मुख्यमंत्री कह रहे हैं भाजपा वाले। हम हिंदू विरोधी नहीं है, हम संविधान का पालन करने वाले लोग हैं, हम डॉक्टर बाबा भीमराव अंबेडकर का संविधान मानते हैं, हम चारों धर्मों को साथ लेके चलते हैं, हम हिंदू मुसलमान श्रीराम की राजनीति नहीं करते हैं, हम सत्य सनातन वैदिक धर्म के लोग हैं। हमारा काम है कि दुश्मन भी अगर हमारे सामने हथियार लेके आएगा तो हम उससे आंख में आंख डाल के बात करेंगे, ना कि उसके साथ हिंसा करेंगे। अच्छा। इसका जीता जागता प्रमाण हमारे गांधी जी रहे हैं, जिन्होंने निहत्ते गांधी जी पर इन्होंने एक एक करके गोलियां दागी। आजाद भारत का पहला आतंकवादी इनकी पार्टी से गया था, नाथूराम गोडसे से। अच्छा, तो क्या लग रहा है सर किसकी सरकार मध्य प्रदेश में, भाजपा या कांग्रेस? अभी इस बार हाँ, कांग्रेस की सरकार बनेगी। अच्छा, क्या कह रहे थे सर? मैं खरगोन जिले से आया, थोड़ा तेज बोलिए। खरगोन जिले से भगवानपुर विधानसभा क्षेत्र से हाँ, तो वार्ड क्रमांक 186 पे हाँ, हम भील समाज के है, बहुत 60-70 साल हो गए हमारे भील समाज के, हम कार्यकर्ता कांग्रेस के पहले 60-70 साल हो गए है ना, तो आज तक हमारे भील समाज को कांग्रेस विधायक का टिकट नहीं दिया है, तो हम टिकट के लिए कमलनाथ जी को कागज फाइल दिए है, टिकट जो है हमको। क्या लग रहा है सर, क्या होने वाला है मध्य प्रदेश में? मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनेगी, ये झूठ की सरकार जाने वाली है। पिछले 18 सालों में हमारे मुख्यमंत्री जो शिवराज सिंह चौहान है, उन्होंने कोई काम नहीं किया, भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है और मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनेगी। अच्छा, क्या लग रहा है सर, भाजपा या कांग्रेस? कांग्रेस कांग्रेस। अच्छा, क्या कह रहे हैं भाजपा या कांग्रेस? कांग्रेस की सरकार बन रही है अब तो, कांग्रेस की कांग्रेस बनेगी। अब भाजपा वाले कह रहे हम जीते हैं, ये तो चुटिया बना रहे हैं, ये तो मीडिया भी नहीं है इस मध्य प्रदेश में, आपसे ज्यादा सेक्युलर मीडिया नहीं है, क्योंकि आप ही है जो एक्चुअल वोटर तक पहुंचे हैं और आपने सर्वे किया है। नहीं देखिए, हमारी बात नहीं, भाजपा कह रही है 160 सीट ने जीते ने आ रहे मध्य प्रदेश में, अमित शाह जी कह दिए हैं। अरे अमित शाह जी का तो कर्नाटक में भी बोला था कि हम 200 सीटें जीतेंगे, क्या हुआ कर्नाटक का? और खुद उनके राष्ट्रीय कवि सत्यनारायण सत्तन जी ने क्या कहा था, आंध्र और कर्नाटक में बीजेपी घुस गई, उसके बाद अगला नंबर कहाँ आएगा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान। राजस्थान में भी हम इतिहास दोहराएंगे, आदरणीय गहलोत साहब भी दो बार सरकार बनाएंगे, छत्तीसगढ़ में हमारे काका भी दो बार सरकार बनाएंगे और कमलनाथ जी जोरदार वापसी करेंगे मध्य प्रदेश में। आप आज का दिन नोट कर लीजिए, तारीख नोट कर लीजिए, 23 सितंबर के दिन, ये आपको मैं खुद बाइट दे रहा हूँ। अच्छा, लेकिन सरकार कह रही है सर भाजपा सरकार की मध्य प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है, डबल विकास हो रहा है, इनका खुद का विकास हो रहा है, इनके नेताओं का विकास हो रहा है और शिवराज सिंह चौहान का विकास हो रहा है। उसके 5,000 से 10,000 डंपर हो गए हैं, 5-6 गोडाउनों के नोट और बढ़ गए हैं उसके। अच्छा, क्या लग रहा है सर इस बार मध्य प्रदेश में क्या होने वाला है? इस बार कमलनाथ सरकार बन रही बहुत स्पष्ट बहुमत से, क्योंकि मामा की सरकार खोखली हो चुकी है पिछले 18 सालों से। अब जनता झांसे में नहीं आने वाली, झांसा राम के काफी झांसा दे चुका है ये प्रलोभन दे के, और प्रलोभन की क्या बात है, भाजपा तो कहती है हम जो कहते हैं और पूरा करते हैं। ये वो तो जो कहती ना, झूठ बोलो जोर से बोलो, ये भाजपा का नारा है, झूठ बोलो जोर से बोलो और जनता बार बार बोलो, जब चुनाव आ जाते हैं तो झूठ की स्पीड गाड़ियों की बढ़ जाती है उसकी। आपको क्या लग रहा है सर मध्य प्रदेश में क्या होने वाला है? मध्य प्रदेश में 150 से ज्यादा सीट आ रही कांग्रेस की,
भाजपा कह रही 160 सीटें हम जीत रहे हैं, वो तो झूठे हैं ना। अभी जैसा बताया कि झूठ बोलो, बार बार बोलो, जोर से बोलो। कोरोना के समय कहाँ गई थी सरकार, और 18 साल से लाडली बहन कहाँ गई थी। अच्छा, ये सिर्फ चुनावी वादे हैं। अच्छा, क्या लग रहा है, क्या कह रहे हैं, क्या होने वाला है मध्य प्रदेश में? मध्य प्रदेश में केवल और केवल अब कमलनाथ होगा। कमल का फूल सरकार भूल चुकी है, जनता भूल चुकी है। 18 साल की सरकार में उनको लाडली बहना की याद अब आ रही है, उनको किसानों की याद अब आ रही है। सिलेंडर सस्ता आप कर रहे हैं, पेट्रोल सस्ता आप कर रहे हैं। इतने साल कहाँ थी बीजेपी की सरकार, जब देश का किसान, प्रदेश का किसान, प्रदेश की बहन बेटियों पर अत्याचार हो रहा था। जब कहाँ थे शिवराज मामा, कहाँ थे बहनों के भैया? उस समय तो कोई बहन भाई नहीं दिखा। अब जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे मुफ्त की रेवड़ी बांटे जा रहे हैं। मुफ्त की रेवड़ी भी हमारे पैसों में से बांटे जा रहे हैं। आज दे रहे हैं 1000 रुपए दे रहे हैं, कल हमारे घर में 3000 का बिजली का बिल पहुंचा रहे हैं। वो कवर कहां से कर रहे हैं? हम लोगों से ही कवर कर रहे हैं। अब के जनता केवल शिवराज मामा को बताना चाहते हैं कि जनता समझदार हो गई, आपकी मुफ्त की रेवड़ियों में नहीं आएगी। वो जनता खुद अपना फैसला सुनाएगी और आपको 2023 के चुनाव में मध्य प्रदेश से उखाड़ फेंकेगी। लेकिन आप उखाड़ फेंकने की बात कर रहे हैं, भाजपा कह रही है कि कांग्रेस का सपना है चुनाव जीतना मध्य प्रदेश का। वो सपना सपना ही रह जाएगा, ये हकीकत नहीं होगा। क्योंकि जिस प्रकार अब देख रहे हो, जो कांग्रेस पार्टी से पलायन कर चुके थे वो वापस कांग्रेस पार्टी में आने को बेताब है। यहाँ तक कि बीजेपी के बड़े बड़े नेता भी कांग्रेस में आ रहे हैं। इससे आप खुद पता लगा लीजिए कि अब किसका दौर आना है। अच्छा, असम के मुख्यमंत्री सर मध्य प्रदेश में आए थे विश्वकर्मा जी, वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी सनातन धर्म के विरोधी है, कांग्रेस पार्टी सनातन धर्म का विरोधी है। साहब, सनातन धर्म का विरोधी कभी कोई रहा ही नहीं है। राहुल गांधी जी भी शिवभक्त हैं, आपने भी देखा, हम भी जानते हैं, देश की जनता अच्छी तरीके से जानती है। बीजेपी के पास केवल सनातन, हिंदू मुस्लिम, पाकिस्तान और हिंदुस्तान के अलावा कोई और मुद्दा नहीं बचा है जिसपे बीजेपी चुनाव लड़ सके। केवल हिंदू, केवल मुस्लिम, केवल पाकिस्तान, केवल भारत। सनातन है, हिंदू मुस्लिम, भारत देश की आन बान शान था। चारों धर्म, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये भारत की आन बान शान है और ये रहेगी। बीजेपी के कितने भी एजेंट आ जाए मोदी जैसे, कभी भी ये हिंदुस्तान को नहीं तोड़ पाएंगे। अच्छा सर, लेकिन सरकार दावा कर रही है कि डबल इंजन की सरकार है, डबल विकास हो रहा है, जनता भाजपा के साथ है। कहां है जनता भाजपा के साथ में भैया? आप जन आशीर्वाद आपने देखी इंदौर में, किस प्रकार भीड़ थी, और ये केवल कमलनाथ का कोई शो नहीं था। अब इसमें देख लीजिए कितनी भीड़ है, आपको मालूम पड़ जाएगा जनता किसके साथ में। 1000 रुपए, 450 रुपए में सिलेंडर देने से कोई विकास नहीं होता है। विकास जब होगा जब प्रदेश का हर एक युवा रोजगार के लिए नहीं तरसेगा। आज युवा सबसे ज्यादा प्रदेश का बेरोजगारी की चरम सीमा पे है और बेरोजगारी से लड़ रहा है। तब कहा है अच्छे दिन आ गए ना, मोदी जी तो कह रहे अच्छे दिन आ गए। आप कहा है अच्छे दिन, आप हमें बताओ तो सही। बीजेपी के लिए अच्छे दिन है, बीजेपी के कार्यकर्ताओं के लिए भी अच्छे दिन नहीं है। बीजेपी के जो कार्यकर्ता पहले चटाई बिछाते थे, आज भी वो चटाई बिछा रहे हैं। ये केवल खरब खोरब की सरकारें हैं, ये केवल हम वो क्या बोलते हैं ना, चार दिन चांदनी वाली सरकार है। केवल 2 से 3 महीने और बचे हैं। मामा, आप जितना भ्रष्टाचार कर सकते हो कर लो, 50% पे जितनी आपकी सरकार चला सकते हो आप चला लीजिए। अब आपको कमलनाथ जी सरकार चला के बताएंगे कि किस प्रकार से सरकार चलती है। बदलाव होगा, माहौल है बदलाव का। माहौल नहीं साहब, अब दौर है बदलाव का। आप देखिए, जिस प्रकार प्रदेश में सरकार बदलेगी उसी प्रकार केंद्र में भी सरकार बदलेगी। ये मैं आपको आज बता देना चाहता हूँ, राहुल गांधी की सरकार में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे केंद्र में हम 2024 के चुनाव में भी। अभी भी तो बड़े बड़े पत्रकार दिखा रहे हैं कि मोदी जी सबसे लोकप्रिय नेता है, 24 में कोई नहीं हरा सकता, मोदी है तो मुमकिन है। मेरे भैया, आज मैं आपको बोलूंगा, भैया ये 100 का नोट लो, मेरे बारे में बताओ तो आप मेरे बारे में बताओगे। ये वो मीडिया है, ये वो मीडिया नहीं है जो ये बोलेगी कि भैया राहुल गांधी जी अच्छा आदमी है, ये नहीं बताएगी। क्योंकि राहुल गांधी जी कभी खरीद फरोख की मीडिया के लिए कभी कुछ नहीं बताता है। मीडिया को कभी पैसा नहीं देगा राहुल गांधी, मोदी केवल पैसा देगा। राहुल गांधी एक कुर्ते में 7 दिन निकालता है और नरेंद्र मोदी जी पूरे एक दिन में 4 कुर्ते बदलते हैं। उससे आप पता लगा लीजिए कि कौन खरीद फरोख करने वाला है। तो बदलाव दिख रहा है? बदलाव दिख नहीं रहा, बदलाव हो गया है। कर्नाटक से शुरुआत हो गई है।